सब गुरु भाई बहन के प्रणाम। गुरु भाई बहन, आज हम एक कथा सुनावे जा रहे हैं। वो कथा को ध्यान से सुनिए। एक कथा को दिल छू गया है, मेरा दिल छू गया, इसलिए आप भी इस कथा को ध्यान से सुनिए और इसको रहस्य को जानिए। इस कथा को पूरा सुनिए, जिसमें आपका भी दिल छू जाए, आपका भी अच्छा लगे। इसको जब तक पूरा नहीं सुनिएगा, जब तक आप इसको नहीं जानिएगा। इसलिए गुरु भाई बहन, जो भी सुनिएगा वो पूरा सुनेंगे। एक बूढ़ी थी, वो बचपन से भगवान शिव का पुजारी थी, पूजा करती थी। और पूजा कब करती थी, गंगा स्नान करके रोज पूजा करती थी। वहाँ के गांव के सब जो लोग थे, उनको देखा देखी सब पूजा करते थे। करीब करीब उनको साथ बहुत से महिलाएं बच्चे पूजा करते थे। एक दिन के बात है कि आ गया कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जब आ गया तो बूढ़ी मामा सबको पहले से ही कह के रखते थे, अरे हम कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने पटना जाएंगे, सब चलना, कहीं भी जाएंगे वहाँ सब कोई चलना। पूरा गांव में ये बात को कह के रखते थे। जब सुबह होता था तो बूढ़ी मामा से पहले सब लोग उठ जाते थे और उठ के और बूढ़ी मामा को जगाते थे, बूढ़ी मामा चाची चला ये स्नान करने को लिए, चलिए यहाँ से। सब लोग जाते थे, बूढ़ी मामा आगे आगे और पीछे पीछे उनके सब जाते थे। लेकिन जब गंगा जी के स्नान करके वहां से लौटते थे तो बूढ़ी मामा पीछे हो जाते थे, लेकिन सब लोग आगे हो जाते थे, क्योंकि बूढ़ी मामा धीरे धीरे चलते थे। सबके तो भूख लग जाता था, लेकिन बूढ़ी मामा उस दिन उपवास रहते थे। पूरा दिन उपवास रह के घर आके भोजन बना के खीर पूरी बना के ब्राह्मण को जोनार कराते थे। इसीलिए बूढ़ी मामा धीरे धीरे आते थे पीछे, और बाकी सब लोग तो आके अपना भोजन कर लेते थे। जब आ रहे थे सब लोग आगे थे, गौरा पार्वती शंकर जी घूमने को लिए निकले थे घर से। जब घूमने को लिए निकले थे तो देखे गौरा पार्वती की, बाप रे क्या चीज का भीड़ है महादेव, बहुत भीड़ है, कैसा भीड़ है, जरा हमको भी घुमाते अच्छा लगता। सारा दिन हमसे आप भांग पिसवाते हैं, जंगल झाड़ में रखते हैं, कभी नहीं शहर घुमाए, नहीं गंगा स्नान करवाए, तीर्थ यात्रा के लिए तो कभी ले ही नहीं गए। शंकर जी बोले, महारानी देवी आप देखिए इसमें कितना पुजारन है और कितना शौक से गई है, हम आपको बताते हैं। पार्वती गौरा बोले, शंकर जी ये कैसे आप बता दीजिएगा। बोलिन कि हाँ हम बता देंगे। शंकर जी अपना माया को रच दिए, रच के और कोढ़िया का रूप धारण कर लिए, बहुत भारी शरीर वाला, जिनमें भिन्न 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 माछी लग रहा है, पूरा उनका शरीर से खून पी बह रहा है। वैसे करके बीच रास्ता पे बैठ गए, जहां से लोग मैंने अलग रास्ता नहीं निकाल सकते थे, वहां पर बैठ गए। बैठ गए और बोले कि देखिए जे पुजारन होगी वो हमको हटा देगी पकड़ के, आपको मदद करेंगे, और जो शौक से नहाने गई होगी वो एकरी हो के नाकमून के पार हो जाएगी। लेकिन हाँ नजदीक जब आए तो आप सबसे मदद मांगिएगा कि बहन जी थोड़ा सा हमार बूढ़ा बाबा के पकड़ दीजिए बहन जी, और हम इनको एकरी कर देंगे। आप लोग पूर्ण करके आ रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा नहा के आ रहे हैं बहन जी, और आप इनमें ठेक जाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप हमको मदद कर दीजिए। लेकिन देखिए आपको कई गो मदद करते हैं। बोले ठीक है। गौरा पार्वती बेचारी वहां पर खड़ी हो गए और शंकर भगवान बैठ गए। जब सब लोग नजदीक आए तो सबसे हाथ जोड़ जोड़ के घिघिया रहे हैं, हे गुरु भाई बहन, हे बहन जी हमको थोड़ा सा मदद कर दीजिए।
बहन जी मदद कर दीजिए हमको, बूढ़ा बाबा बीच रास्ते पे ही बैठ गए हैं, नहीं चलने सक रहे हैं, थोड़ा सा मदद कर दीजिए। बेचारे हाथ जोड़ जोड़ के रिगरिगा रहे हैं, लेकिन उनका मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुए। जब कोई नहीं तैयार हुए तो गौरा कसके रोने लगे, यार यार इस समय इतना सब जा रहे हैं, हमारा मदद करने के लिए कोई नहीं, सब गंगा स्नान करके जा रहे हैं और हम जैसा दुखियारिन को कोई थोड़ा सा पकड़ने को लिए तैयार नहीं है। इतना ही में जो बूढ़ी मामा शिव भक्त थी वो पार हो रही थी, बोली क्या बेटी क्यों रो रही हो। बेचारी गौरा जी बोले मामा एक तो मेरे बूढ़े बाबा हैं, वो थक गए हैं, उनका शरीर खराब हो गया है, उनको से हम सबसे मदद मांगे से कोई नहीं मदद किए, क्या करें, बीच रास्ते पर बैठ चुके हैं और सबके आने जाने में तकलीफ हो रहा है। बूढ़ी मामा कहें किधर है बेटी, हम उनको पकड़ के करी कर देंगे बेटी, चलो चलो बेटी रोवो मत, भगवान पे भरोसा रखो, शंकर भगवान सब ठीक कर देंगे बेटी, भगवान की दया होगा तो बिल्कुल अच्छा हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे बेटी, भगवान पर ध्यान रखो, आज कार्तिक पूर्णिमा है बेटी, गंगा स्नान करो जाके और इन्हें भी करवाओ। इतना कहते कहते और हाथ पकड़ लिए, लेकिन गौरा जी हाथ छोड़ा रहे हैं कि नहीं मामा आप तो बूढ़ी हैं, आपसे इतना वजन शरीर है इनका, कैसे उठेंगे। बोले कि बेटी थोड़ा सा तो पकड़ेंगे, थोड़ा आप पकड़िए और थोड़ा सा ये अपना ताकत लगाएंगे और हम लोग इनको एकरी करके नहीं उठा देंगे और इन्हें भी गंगा स्नान के लिए ले जाएंगे बेटी। शंकर भगवान का तो जांचना था, शंकर भगवान तो जांच रहे थे कि कौन क्या है। बूढ़ी जैसा ही हाथ लगाई जैसी शंकर भगवान खड़ी हो गए और बोले बूढ़ी तुम्हें क्या चाहिए, वो हंस के मांग लो, हम तुम्हें पूरा कर देंगे, अपना रूप में हो गए। और जो गौरा देवी थे वो भी अपना रूप में हो गए, लक्ष्मी का रूप धारण करके खड़ी हो गए और शंकर भगवान अपना भेष में आके और खड़ी हो गए और बोले कि बूढ़ी मामा जो तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, तू बच्चेपन से पूजा की है, सेवन की है, इसलिए ये हम जांचना ले रहे थे। बूढ़ी मामा पैर में लिपट गए भगवान से, बोले कि बाबा आप हमें दर्शन दे दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप एक ये हैं इससे बड़ा क्या हो सकता है, आप दर्शन दिए, आपके दर्शन के लिए युगों से हम तरस रहे थे, बिलट रहे थे, लेकिन आप कभी दर्शन नहीं दिए, इसलिए हमको यही बहुत है। बोले कि बाबा अब हम घर को जा रहे हैं, मुझे भोजन बनाना है, ब्राह्मण को जेवनार कराना है और जेवनार करा के उसके बाद फिर हम आराम करेंगे। लेकिन फिर भी शंकर भगवान हाथ पकड़ लिए बूढ़ी मामा को, बोले नहीं तुम्हें कुछ तो कमी है जो तू कह नहीं सकती हो। बूढ़ी मामा रो पड़ी और बोली भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे हम मांग नहीं सकते, अगर जो मर्जी है तो आप खुद को दे दीजिए, लेकिन हम आपसे नहीं बोलेंगे। शंकर भगवान उसको पूरा रिक्वेस्ट किए कि नहीं तुम्हें बोलना होगा। उसको बाद बूढ़ी मामा बोले हम यही चाहते हैं कि मेरा इस दुनिया से सुहागन अर्थी उठे और मेरे नजरों के सामने मेरा पोता पोती खेले कूदे और बड़ा रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ मेरा परिवार रहे, खुश रहे, घर भर भरे रहे, घर परिवार लक्ष्मी सब भरल रहे, और कुछ नहीं बाबा हमको यही चाहिए। बूढ़ी वरदान मांगे, शंकर भगवान इन मस्तु कह के और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए जब बूढ़ी मामा आए तो देख रहे हैं कि मेरा घर में सुख शांति आ गया, सब परिवार उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं,
अब धीरे 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 उनका घर में सब कुछ हो गया, जो बूढ़ी मामा चाहें वो पूरा हो गया। गुरु भाई बहन इस कथा को समाप्त कर रहे हैं और ध्यान से सुन के